प्रेक्षागृह में बैठे सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखें या फिर कृपया उन्हें साइलेंट मोड पर लगा दें। सभी फोटोग्राफर भाइयों से निवेदन है कि वे फोटो खींचते समय फ्लैश का प्रयोग ना करें। ये कहानियां अमृता प्रीतम द्वारा लिखित हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं कहानियों की दुनिया में। मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मंजिल पर पहुंच जाने वालों का दर्द और विशाल कभी अक्षरों में नहीं उतरता। फिर भी लोगों का दिल उन शायरों किस्साकारों को सलाम कहता है जो मोहब्बत की बात आते कुछ अक्षरों में उतार कर उनके दामन कर देते हैं। और दूसरी तरफ उन शायरों और किस्सा निगारों की अपनी दास्तां होती है जो खामोश उनके दिल में भी सुलगती रहती है और उनके अक्षरों में भी। किस्सा निगारों में वारिस शाह के कलाम ने सबसे बड़ा मर्तबा पाया और उनका दर्द जो कभी उनकी जुबान पर नहीं आया लोगों में एक दंत कथा बन गया। पंजाब के जिला गुजरांवाला के गांव जंडियाला शेरखा गाजी के वारिस शाह सैयद घराने के थे। कसूर में कुछ इल्म पाया तो पाप पतन चले गए ख्वाजा फरीदुद्दीन की दरगाह पर, जहां से उन्होंने फकीरी की मंजिल हासिल की। और जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में गांव आया जाहिद का झंडा। वहां एक सुंदरी को कुएं से पानी भरते हुए देख उनके कदम रुक से गए। उस सुंदरी का नाम बागबरी कहा जाता है। उसके दिल में भी एक चिंगारी सुलग गई, लेकिन जो कहा और सुना वो कहीं कहीं लिखा मिलता है। वो ये है कि वारिस शाह अपने घर को लौटते हुए लौट ना सके। वहीं गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी, यहाँ उनका कायम हुआ। गांव के लोगों के साथ इतनी मेहरबानी का सलूक किया कि वो इतने बड़े आलिम सैयद और दरवेश को अपने बीच पाकर एक फख्र महसूस करने लगे। वहीं जुलाहे के घर से रोज उनके लिए रोटी साला मिलने लगा। और वारिस अपने दिल का दर्द हीर रांझा की चलती आ रही दास्तान में डुबोकर उनका किस्सा लिखने लगे। मस्जिद में एक कोठड़ी को अपना हुजरा बना लिया, जहाँ हुजरे के झरोके से बाहर से गुजरती पागबरी को देखते रहते और हुजरे में चिराग जलाकर हीर की मोहब्बत की दास्तान लिखते रहते। जानते थे कि मुसलमान सैयद और हिंदुस्तान नारी की मिलन की बात समाज का तकरार डालने वाली थी, इसीलिए जो हो खामोशी धारण कर ली, वही खामोशी उनके अक्षरों को रोशन करने लगी। अभी थोड़े से साल हुए, पाकिस्तान से एक अदीब आए थे जिन्होंने बताया कि गांव का वह हुजरा जहां वारिस ने हीर का किस्सा लिखा था अब लोग वहां अपनी अकीदत पेश करते हैं। उस हुजरे के झरोके से वह कुआं तक दिखाई देता है जहां पागबरी पानी भरने के लिए आती थी। उस कुएं का पानी अब लोगों के लिए मुतबर्रक बन गया है। सूफी शायर हाशिम के हरफों में कामिल आशिकों का किस्सा लिखना भी खुदा की बंदगी है। यहाँ मोहब्बत करने वालों को सजदा करते हुए प्राचीन काल की तीन गाथाएं दे रहे हैं अमृता प्रीतम। Yeah.
लंगामा में तोड़ हो गए सजना के रुठानू सुना तोड़ हो गए सजना के रुठानू सुना गोली बिछोड़ी वाजा मार दिए रांझे कहती ले चले हवेली की बाई दीवार के पास उगे हुए बरगद की बहुत सी छाया आंगन में आ गई। तब बल्की ने उस छाया में बांध की चारपाई बिछाई और गूंधे हुए मैदे का कटोरा भरकर चारपाई की पाया के पास पीढ़ी बिछाकर सिवैया बनाने लगी। सिवैयों से मुट्ठी भर जाती तो उसे सूखने के लिए चारपाई की चादर पर डाल देती और दोनों हथेलियों में और आटा लेकर लोई बनाने लगती। इतने में हवेली का दरवाजा खटका। तब उसी तरह हाथ में लोई को लिए हुए उसने दरवाजा खोला तो होठों से निकला, चौधरी हाँ जल्दी आ गए, चलो अच्छा किया। ओ, गुड़ का टुकड़ा डालकर थोड़ा सा सत्तू घोल दे, आज गला बहुत सूख रहा है। आज काम वाली कोई नहीं आई जो खुद ही सेवैया बना रही हो? मन भारी हो रहा था। खैर तो है, अपनी लड़की की कोई खबर आई क्या? नहीं कोई खैर खबर नहीं, जब अपना ही बदन झूठा पड़ता हो तो सोचा मन को कहीं तो लगाऊं, बस इसीलिए सेवैया बटने बैठ गई। औला दिखा नब्ज। अब क्या देखेगा नब्ज, नब्ज तो तब देखता जब बेटी जन्मी थी। यही महीना था जेठ का जब वो पैदा हुई थी, लोग देखे और कहे कोई हूर पैदा हो गई, इसीलिए सबने उसका नाम हीर रख दिया। हाँ मुझे याद है, तूने बताया था कि उस सोई हुई को बांसुरी सुनाई देती थी और वह जेठ के महीने में पैदा हुई थी, आज ही के दिन। कोई खैर और आज शायद उसका जन्मदिन ही है जो तुम इस तरह कर रही हो। और जा कोई बंदा भेज दे रंगपुर दो चार टोकरे मिठाइयों के देकर। छोटी सी होती थी रात को चौंक कर उठ जाया करती थी और दीवारों की ओर देखा करती थी। जब मैं पूछती क्या हुआ जेठी, तुम्हें मालूम है मैं से जेठी कहा करती थी, इसलिए भी क्योंकि वो जेठ के महीने में हुई थी और इसलिए भी क्योंकि वो जेठी थी पहलोठी की, दो लड़के भी तो उसके बाद हुए। हाँ मुझे याद है, तूने बताया था क्यों सोई हुई को बांसुरी सुनाई देती थी और वह उठकर हैरान सी देखती कि बांसुरी की आवाज आ कहां से रही है। तभी तो कहती हूं मैं तब से दलीलों में पड़ी हूं जब से वो जन्मी थी। अच्छा तुम बताओ उसे वो बांसुरी की आवाज कहां से सुनाई देती थी? मुझे तो तब से हॉल पड़ गए थे
कि वो बांसुरी की आवाज तो उस महलों में रहने वाली को सुनाई देती थी। तुम बात कर रही हो मीरा की, जिसका नाम भी हमारी बेटी ने तो कभी नहीं सुना था। उसने तो नहीं सुना था, पर किस्मत ने तो सुना था। किन वहमों में पड़ गई कुंदिये? देख ले, जिन जमीनों और हवेलियों के लिए हमने धर्म तो बदल दिया, पर वो राजपूतों का खून जो हमारी रगों में बहता है वो कभी नहीं बदला। और खुद ही तो तेरे होठों से मेरा वो नाम निकल आया करता था कुंदी, जो मेरा नाम हुआ करता था। बल्कि तो मेरा नाम जबरन रखा गया। ओ, हमारा ही पूर्वज हुआ करता था राय सरजा, जिसने सियाल जाटों की झुग्गियां डालकर यह इलाका बसाया था। इसका नाम पहले झुमसियाल हुआ करता था, जो बाद में झुमसियाल हो गया। फिर हमलावर आए, धर्म तो बदलना पड़ा भाई, पर सियालों का सारा झुंड बचा लिया, और नहीं तो इस इलाके का नाम पता नहीं रहा था। हाँ मियाँ, क्या बचा और क्या नहीं बच पाया ये तो ऊपर वाला जाने। पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, वो छोटी सी बच्ची को और सोई हुई को वो आखिर भांसुरी की आवाज कहाँ से सुनाई देती थी? और तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे माथे की किस्मत तो उसी वक्त बोल उठी थी जब तीदो रांझे को तूने अपना कमेरा बनाया था, पर जब वो बेले में बांसुरी बजाता था तो लड़की दीवानी होकर बेले की ओर दौड़ती थी। शायद वही आवाज थी जो वो सपनों में सुना करती थी। किन वहमों में पड़ गई मलकिए, अब वो ससुराल में रहती है इतने अमीर जादों के घर, वो इतने बागों के मालिक हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक वक्त तू सारी उम्र जमीन और जायदाद ही गिनता रहा, ये भूल गया कि आप सबने झूठा निकाह पढ़ाकर रोती बिलकती को डोली में बिठा दिया। तो और क्या करता, उस कमेरे के साथ ब्याह देता, और तू जानती भी है सारी दुनिया क्या कहती। वो तो तख्त हजारे का वली था, मुआज़ुद्दीन हजारे के हाकिम का बेटा, तेरी बेटी को देखकर कमेरा दीवाना हो गया था। मैं लाख मिन्नत करती रही कि अपनी आंत को तोड़कर अपने इन हाथों से मत भेज। पर कैदों ने वहां बात चलाई हुई थी, उनके घर से शगुन की मोहरें भी आ गई थी, तो क्या करता, वापिस करता तो रंगपुर वाले के साथ दुश्मनी पड़ जाती। दुश्मनी? दुश्मनी तो हमने अपने आप से डाल ली। ओ, मैं तुमसे क्या बात करने आया था, और तुम ये क्या लेकर बैठ गई? मैं तुमसे पूछने आया था कि अब तुम्हारे बेटों के रिश्ते आ रहे हैं, वो भी बड़े बड़े घरों से, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? मेरी मर्जी तब तो नहीं पूछी जब रोती हुई लड़की मेरे गले के साथ लिपटी हुई थी। आज क्या हो गया तुम्हें, इतनी उदास क्यों हो? जब सोती हूँ तो उस बेचारे की बांसुरी सुनाई देती है, जागती हूँ तो उसी को ढूंढती हूँ। वो घड़ी नहीं भूलती जब उसने आकर मेरे पैर पकड़े और कहा, जन्म देने वाली तो मैंने देखी नहीं, पर तुम्हें माँ का है, माँ मेरी इज्जत रख ले। और चल जाने दे अब बीती हुई बात को, अब जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ते का पूछना, अब बस तो दुआ कर कि हमारी लड़की सुखी रहे। तेरे जिस चुगलखोर भाई ने मेरी बेटी की डोली भेजी थी, अब उसी को कह वो चाहे चाहे अब चमारनों के डोले ले आए, मैंने कुछ नहीं कहना। इतने में हवेली का दरवाजा खटका, चूचक नहीं उठा तब मलकी ने ही जाकर दरवाजा खोला। कोई अजनबी से दो आदमी थे। क्या ये चूचक चौधरी का घर है? जी हाँ। आप चूचक चौधरी है क्या? हीर आपकी बेटी का नाम है? जी हाँ। क्या खबर लाए हैं? हम राजा अदली के कहने पर आए हैं चौधरी, जहाँ आपने बेटी ब्याही थी वहां से कोई जोगी उसे निकाल लाया था, उसका नाम रांझा कहा जाता है। पूरे गांव की भीड़ उनके पीछे आ गई, तब उन्होंने राजा अदली के पास जाकर फरियाद की। राजा अदली ने रंगपुर वालों की भीड़ लौटा दी और हीर को उसके मर्द रांझे को सौंप दिया। अब राजा का हुक्म है कि हीर के माँ बाप अपने हाथों से उनका निकाह करें। जाओ, जाकर खैरियत से अपनी बेटी को घर ले आओ। ठीक है, मैं अभी अपने बेटे को आपके साथ भेजता हूँ, वो दोनों को खैरियत से ले आएगा। मलकी, 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 क्या हुआ मलकी? तुम सच में ही रुवांसी हो रही हो मलकी, बता आप क्या करें? ये जी।
किसी ने तकदीर की आवाज सुनाई देती है। वो महलों में नहीं बसती, मुझे किसी और का डर नहीं, तुम्हारे भाई से डर लगता है। चौधरी अब तो अपनी लगाम अपने हाथ में ले ले। और कहते सुनते दिलासों के साथ संध्या ढली। तब मलकी के बेटे ने बहन के साथ दहलीज में कदम रखा। अम्मी अम्मी हीर आ गई। वो कहाँ है? जैसा अब्बू ने कहा था मैंने वैसा ही किया। रांझे को तख्त सारे भेज कर आया हूँ और उससे कहा कि अपने भाइयों के साथ आए और हीर को ब्याह के अपने साथ ले जाए। ये पहला दिन था जब मलकी ने अपने मर्द के पैर छुए। लाड़िए मेरा सेरिया वाला गांव में धूम सी मच गई। हीर की सहेलियां दौड़ती हुई आई और उसके मुंह में मिश्री डालने लगी। तो भी ये खबर सुनकर आया तो मलकी का कलेजा थक सा रह गया। भाई तो तुझका लगता है, मैं भी तुझे धर्म का भाई मानूंगी। लड़की को बच्चा बुरा ना कहना। ओ नहीं भाभी, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। हूं जरा कुड़ी नू लाड़ ता कर लड़ दे। जीजा का लेना नहीं आया वे तू आज दी कड़ी जीजा लेना नहीं लाया वे तू आज दी कड़ी। ओ जीजा का लेना नहीं आया वे तू आज दी कड़ी लाल पहना नहीं लाया वे तू आज दी कड़ी। ओ जीजा क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। दो दिल सांझे हीर ते रांझे, दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाया रब कहती है शहनाई। झुंड में बैठी हीर के सामने ससुराल की पहली थाली आई। चार कोर खाते ही हीर के होठ ढीले पड़ गए और वे एक ऐसी चीख मार कर गिरी कि फिर होश नहीं आया। हीर, हकीम साहब, हकीम साहब, मेरी बेटी। क्या हुआ? अरे कुछ बता के तो जाइए। खबर बारात घर पहुंची। राजा हीर की हवेली की तरफ दौड़ा, किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की।
रोटी की थाली अभी भी हीर की लाश के पास पड़ी हुई थी। राधे ने जल्दी से 5-7 निवाले खा लिए। मेरे भाई ने कहर कमाया मलकिए, तो मैं कहीं का नहीं रहा। मेरी हुरो जैसी बेटी, मैं इसकी डोली अब कहाँ भेजूंगा। हुरों की पालकी फरिश्तों के घर जाती है। ये देख फरिश्ता आ गया मेरी हूर को बिहाने के लिए। लगता है तुम्हें ऐलान हो गया था मेरे आने का। हवा से पूछती रहती थी ना, खुशी ने मेरे कानों में आके कह दिया। क्या देख रहे हो? जब भी नजर भर कर देखता हूं तुझे झेलना मुश्किल हो जाता है। अभी अभी गाय का दूध धो के रखा है, एक कटोरी पी लो फिर आराम से बातें करना। ये लो। अब बताओ कहाँ कहाँ से घूमकर आ रहे हो तुम? तेरे और मेरे नाम को लोगों ने हर जगह कलंकित कर दिया है। मैं अपना एक तरह लेकर अपनी मौज में रहता हूं और लोग मुझे चुगली खाने वाला नारद कहते हैं। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ आखिर ये बंदा क्या होता है। मैं तो कला थी, जीने की कला, पर बंदों ने मेरा नाम रख दिया कलह। कलह तो उनके अपने मनों में होती है, उनके अपने घरों में होती है, क्या भाईचारे में और क्या सरकार दरबार में। वो खुद ही तो लड़ाइयां झगड़े करते हैं पर फिर भी कहने को कहते हैं कि नारद चुगली लगा देता है और कलह लड़ाई करवाती है। ना जाने इस बंदे की जात कैसी है, जो करता तो खुद है लेकिन दूसरों के कंधे पर डाल देता है। तू जानती है कि बंदा इस धरती पर कैसे आया था? हाँ सुना तो यही है,
क्या तुमके बाग से निकाला गया था और इसकी हवा भी, फिर क्या धरती पर आ गए। बंदे को अगर कोई बात आती है तो कहानियां करने की आती है, मकड़ी की तरह बहुत जाले बुनता रहेगा। बंदा उस पौधे को कहते हैं जो किसी भी पेड़ से अलग सा उगाए। अगर पीपल में से उगाए तो पीपल का बंदा, बड़ में से उगाए तो बड़ का बंदा, और कीकर में से उगाए तो कीकर का बंदा। पर ये बंदा कौन से पेड़ का रस पीकर पैदा हुआ है? है तो प्रकृति का रस ही, लेकिन जैसे प्रकृति कई तरह की होती है वैसे बंदा भी कई तरह का होता है। किसी किसी को खुदा जाने कैसी सूरत देता है, इलाही सूरत जिसकी आवाज अंगूरों के रस सी होती। हाँ वो भी कई होते हैं, पर कई तो नीमर आग से भी ज्यादा कड़वे होते हैं। चलो छोड़ो, इनका झगड़ा तो खुद खुदा भी ना निपटा पाए तो हम क्या निपटा पाएंगे। तुम तो किसी राह बस्ती की कई अच्छी सी बात सुना दो। आज जिस राह से गुजर कर आ रहा हूं उसने सब अच्छी बातें भुला दी। आज न जाने मेरा मन कैसा होगा। मैं और तुम जो कभी उस राह से मिली गुजरे थे, वहां भी लोग कह रहे थे कि नारद चुगली लगाता है दूसरे गांव में जाकर, और फिर कलाई आ गई जिसने लोगों के हाथों में तलवारें पकड़ा दी किसी को मारने काटने के लिए। मैं तो सोचती हूँ कि हम दोनों अपना नाम ही बदल लें। मैं कला थी तू नारद, हम फिर से क्यों आदि सूरत में हो जाएं? तू पुरुष मैं प्रकृति। अरे वो तो हम हैं ही, लेकिन जो नाम लोगों के होठों पर आ गए वो तो आते ही रहेंगे। देख इंद्र को ना कभी किसने देखा ना जाना, बस कहते हैं और कहे जाते हैं कि इंद्र गौतम की पत्नी अहिल्या की सेज पर चला गया था। चांद का भी लोगों को कुछ पता नहीं, कहते कि उसने बृहस्पति की पत्नी तारा चुरा ली थी। इतना ही नहीं उन्होंने तो ब्रह्मा को भी नहीं बख्शा, कहते कि वो अपनी बेटी पर ही मुग्ध हो गया और उसे पकड़ने के लिए। नारायण नारायण। अच्छा तो एक काम करो, तुम ही बता दो कि इस बंदे की जात का क्या करें। अरे बंदे की जात तो कभी बदलेगी ही नहीं, लेकिन दुख तो तब होता है जब प्यार और मोहब्बत करने वालों को वह मार काट कर रख देते हैं। अल्लाह के नाम पर जीने वालों को वह जीने नहीं देते। तुम्हारा मन बहुत भरा हुआ लगता है, तुम कहां से होकर आए हो और क्या देखकर आ रहे हो? मैं सियालों की झंगियों से गुजर रहा था, मेरी नजर एक हुजरे पर पड़ी। वह शाम ही शाम हकीम का हुजरा था, वह भी एक साई हुआ था। मैं भी उसके हुजरे पर अपनी अकीदत पेश करने के लिए चला गया। देखा क्या वहां कोई फकीर बैठा हुआ, खुदा का वह बंदा आसमान की तरफ देखकर रो रहा है। अल्लाह अल्लाह और अल्लाह अल्लाह कहे जा रहा था। मैं भी उसके पास आकर बैठ गया, कुछ कहा नहीं, बस अपना इकतारा बजाने लगा। तू कोई अल्लाह का बंदा लगता है, मगर यहां क्या लेने आया है? ये तो एक शापित बस्ती है, यहां कहर गुजरते हैं। पर फकीर मियां तू भी तो यहां बैठा है और शाम अकीम भी तो यहां हुए थे, फिर ये बस्ती शापित कैसे हुई? आओ मेरे साथ, थोड़े समय पहले इस गांव से एक भीड़ उठी
और उन्होंने खुदा के बनाए दो प्यारे इंसानों को थी और मर्द का नाम
मिर्जा खान था। साहिबा इसी गांव की थी, खीवे खान सियाल की बेटी। मैंने उसे कई बार देखा था, अक्सर यहाँ आती शाम मुकीम के हुजरे पर पीर को सजदा करने के लिए। जब आती तो ऐसा लगता जैसे दहशत की हवा इधर से गुजरी हो। और वह मर्द कौन था? उसी की बुआ का बेटा। यही ननिहाल में रहकर उसके साथ पढ़ता था। दोनों इसी मिट्टी में खेल के जवान हुए थे, लेकिन जब दोनों ने मोहब्बत का हक पढ़ा तो ये बात खीवे खा को मंजूर ना हुई और उसने मिर्जा खान को वापिस उसके गांव भेज दिया, दानाबाद को। घर तो वो भी अच्छा था, वो सड़क कबीले के सरदार बिजत खान का बेटा था मिर्जा खान, लेकिन वो साहिबा के भाइयों को मंजूर ना था और उन्होंने साहिबा को जबरदस्ती ब्याह देना चाहा किसी और जगह। इस बात की खबर साहिबा ने भी अपने मिर्जा खान को भिजवा दी। वो घोड़ी लेकर आया और साहिबा को अपने साथ ले गया। इस बात का पता जब उसके बाप और भाइयों को चला तो वो भी उनके पीछे चल दिए दोनों को मारने के लिए। और ये कहते कहते वह फकीर साईं तड़प सा गया। मैंने उस फकीर के पैर छुए जिसने हम दोनों को कब्रें दी थी। अब दिन के समय वह शाह मुकीम के हुजरे पर बैठा रहता और रात के वक्त जंगल में जाकर उन दोनों की कब्रों पर सजदा करता। कल मैं भी उसके साथ गया था मिर्जा साहिबा को अपनी अकीदत पेश करने के लिए। लोग भले कहते हैं हम कला और नारद हैं, पर है तो पुरुष और प्रकृति। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज रात हम दोनों उनकी कब्रों पर सजदा करेंगे। शाही बगीचों के पेड़ों में जब फूल खिलते तो महल की खिड़की में खड़ी हुई रानी टूटी हुई बेल की तरह उदास हो जाती। खुदाया, धरती का चप्पा चप्पा हरा हो गया, फिर मेरी कोखरी क्यों नहीं होती? और फूलों का मौसम जहर बरस पेड़ों और पौधों पर आता था, इस बार रानी के बदन पर भी आ गया। रानी बोर से भरी हुई टहनी की तरह सजदे में झुक झुक जाती थी। उम्मीद का उठता हुआ पंछी उसकी खिड़की में जो आ बैठा था। रानी अपनी हथेलियों पर मेहंदी लगाती और सोचती इस पंछी को अपने हाथ पर दाना चुगाऊंगी।
आईने के सामने खड़े होकर वे दंदासा मरती तो गहरे लाल रंग जैसी एक लोरी उसके होठों पर आ जाती। सच्चे रेशमी पालने में वे मोतियों की लड़ियां बांधती और इंतजार के दिनों को मोतियों के दानों की तरह गिनती। एक दिन मोती पिरोते पिरोते रानी के हाथ से धागा टूट गया, सारे मोती फर्श पर फैल गए। दासियां संगमरमरी फर्श से मोतियों को बिनती रही लेकिन रानी टूटे हुए धागे की तरह ख्यालों में डूब गई। कहीं मेरी किस्मत की मोती मेरे हाथों से न गिर पड़े। भंगोर शहर के राजा ने खजाने का मुंह खोल दिया, लोग थालियां चोरी लेकर आते और भरकर ले जाते। राजा रानी रात के वक्त खुदा के सामने झोली फैलाकर कहते, हम जगे राजा तेरे दर के भिखारी हैं, ऐ मालिक हमारी झोली भर दे। और दूध की चांद सी बेटी उनकी झोली में पड़ गई। ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। रानी बार बार अपनी बेटी की तरफ देखती और अंग अंग से लोरी गाता। रसों का लहू जब दूध बनकर रानी की छाती में से बहने लगा तो एक दिन दूध पीते पीते सस्सी के होठों से दूध की कुछ बूंदे फर्श पर जा गिरी। दूध की बूंदी सफेद मोतियों जैसी थी। अचानक रानी को वह दिन याद आया जब उसके हाथों से मोतियों की लड़ी छूट गई और सारे मोती फर्श पर फैल गए। रानी ने धड़कते कलेजे से अपनी बेटी को सीने से लगाया लेकिन होठों की लोरी सारी रात कांपती रही। सो जाती है सो जा, सो जा लाल पलंग ते सो जा, सो जा मामा मामी आणगे दुध पतासे ले आणगे ले आणगे। सो जाती है सो जा। सुबह जब राजा दरबार में गया तो रानी को यह देखकर हैरानी हुई कि वह फौरन महल में वापस आ गया था। राजा सस्ती के पालने के पास आकर इस तरह से बैठ गया जैसे कोई किसी कब्र के पास बैठा। रोती और कांती सी रानी कभी अपनी बेटी की तरफ देखती और कभी अपनी बेटी के बाप की तरफ। तभी राजा ने बताया, ये हमारी बेटी हमारे कुल का दास, मैं इसका क्या करूं। आज नजूमियों ने बताया कि जब यह जवान होगी तो सारी दुनिया से न्यारी होगी, किसी वक्त देश में ये घर बार छोड़ देगी और कुल की लाज भी। दाग तो चांद में भी होता है। चांददारों की खता माफ होती है रानी, और आदमजात की नहीं। ये भी तो जान का टुकड़ा है। अपनी कोख से जन्मी को भला अपने ही हाथों कैसे मरवाया जा सकता है। और बेटी को संदूक में डालकर संदूक को नदी में बहा दिया। देख वादा खिज़र, अब ये तेरे हवाले। शहर के बाहर एक घाट पर रखता धोबी कपड़े धो रहा। नदी के पानी में से कोई चमकदार चीज दिखाई दी। उसने कई बार अपने आप को गलती जा रही थी। मोती और पन्नों से जड़े संदूक पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो वह झिलमिलाने लगता।
हत्ता धोबी अल्लाह का नाम लेकर नदी में उतर गया और संदूक की दिशा में तैरने लगा। उसने जाकर संदूक को अपने हाथ से थाम लिया। किनारे पर लाकर जब उसने संदूक खोला तो वह कितनी देर तक देखता ही रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस जैसे बेऔलाद के यहाँ तकदीर कैसे खुल कर आई है। ख्वाजा खिज्र ने चांद की फांक जैसी बेटी आज अचानक उसकी झोली में डाल दिया। तकदीर को अपने हाथ आज किसने बहाया होगा? अत्ते की बीवी ने जब बच्ची को अपनी झोली में डाला तो उसकी सूखी रगों में ममता बहने लगी। बच्ची के गले में सोने की जंजीर से बंधा एक ताबीज था। अत्ते ने उसमें सस्ती का नाम पढ़ा और ताबीज को और संदूक के गिने मोतियों को एक पोटली में बांधकर बाड़े की कोठरी में अमानत की तरह रख दिया। ये बिटिया तेरी अमानत, जब तू जवान होगी तो तू ही पहनना इसे। अत्ते ने देखे चढ़ाई और सारी बिरादरी में बांटी। शिरनी का पहला थाल नदी को चढ़ाया। ख्वाजा खिज्र से बार बार यही कहता रहा, हे ख्वाजा खिज्र, आज मैं सचमुच जग में रहने के काबिल हो गया। मेरे सोई नसीब जाग उठी। अत्ते की बीवी ने सस्सी को जब अपने गले से लगाया उसकी सूखी छातियों में दूध उतर आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी निष्ठा जा रही देह में एक इलाही फूल खिल उठा हो और इस तरह महलों की रौनक एक धोबी के आंगन में खेल दी रही। ओ बड़ा चीता के तुम मेरा गाई ये खेड़ा के पीछे दिखे लो शामत आई रे। चली तो बाढ़ की तरह रिश्ते नातेदारों की ओर से शादी के पैगाम आने लगे। अत्या, ओ अत्या, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया था भाई। मैं तुम्हारी बेटी के लिए अपने बेटे का हाथ मांगने आया था। बताओ तुम्हें ये मंजूर है? इसके लिए मैं तुम्हें दो मोहरे भी दूंगा। सोच कर बताता हूँ। ठीक है। और भाई क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो सोच कर बताएंगे। अबे ये क्या बात हुई? कहा ना वो सोच कर बताएंगे। सोच के बताएंगे। मैं तो अपनी बेटी के लिए कोई फरिश्ता ढूंढ के लाऊंगा। अरे अपने धोबी की बेटी को से उतली है, इसके गल तो लाता की बुलाता की लाता की लाचा नहीं आएगी बारा। सस्सी के हुस्न की धूम मच गई। बात झोपड़ियों से निकलकर अमीरों और वजीरों के कानों में जा पड़ी। किसी ने राजा से भी कह दिया, अत्ते धोबी की बेटी तो महलों में रहने के काबिल है महलों में। अत्ते धोबी को जब राजा का बुलावा आया तो उसके छाती में होल पड़ गई। उल्टी क्यों बहने लगी? लेकिन राजा का हुक्म था, डाला नहीं जा सकता था। अत्ते की बीवी ने सस्सी को उत्तर मंत्र नहलाया और उसकी रक्षा के लिए रखा हुआ उसका सोने का तावीज भी उसके गले में पहना दिया। अत्ता जब बेटी को लेकर महल में पहुंचा तो राजा से सस्सी को देखकर आंखें न झपकाई गई। वो सोचने लगा, ऐसा रूप तो किसी को महलों में भी नसीब नहीं होता। यत्ता ना जाने किस आसमान से मुट्ठी भरकर लाया है। राजा ने बढ़ाकर सस्सी का हाथ पकड़ लिया
पर जीव ही उसके हाथ उसके कंधे की तरफ जाने लगे तो उसका ध्यान उसके गले में पड़े तावीज पर गया। राजा के पैरों तले धरती हिलने लगी। उसने अंदरूनी महल से रानी को बुलाया। रानी को बुलाया जाए। और सस्सी के गले में पड़ा हुआ तावीज उसे दिखाया। राजा के दिल को कोई कचोट रहा था, लेकिन सूरत देखकर भी यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि नदी में बहाया हुआ उसका कलेजे का टुकड़ा आज भी संसार में जिंदा है। राजा ने धोबी को अपने पास बिठाया और हुक्म दिया, फतेहा सारी हकीकत बयान करो। हाँ सुल्तान, ख्वाजा के दिल में खाली झोली खुशियों से भर दी, मोतियों से जड़े संदूक रेशम की पोटली से पड़ी हुई थी और वो संदूक नदी में बहता जा रहा था, ये जलपुड़ी की तरह जल में से निकली, ऊपर अल्लाह नीचे बादशाह, नहीं तो मेरी क्या औकात, ये कोई जाती मेरे आंगन में खेलती। राजा ने 101 मोहरे रखी और फरमान दिया एक अर्श की तरह, फतेहा आज से तू जिस गांव पर हाथ रखेगा वो गांव तेरा होगा, बस हमारे महलों की रोशनी हमें वापस मोड़ दे। मैं तेरे एहसान का बदला नहीं चुका सकती, पर इस मां के नसीब को लौटा दे। अत्ते के होंठ कांपने लगे। उससे बोला नहीं जा रहा था कि सस्सी ने कहा, रानी माँ जब जब हुक्म दोगी मैं हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन रहूंगी उसी छत पे जिसने मुझे मरती हुई को पनाह दी थी। ओ मैनू रोड़ के नदी दे विच बाबला वे हुण तू तीदा साथ मंग दें वे पापी राजिया, वे हुण तू तीदा साथ मंग दें वे मेरे बाबला। और इस तरह महलों की रौनक धोबी के आंगन में खेली है। पहले सिर्फ परमात्मा की नजर जानती थी, अब दुनिया की आंखों ने भी देखा सस्सी पवन की तरह आजाद जब भी चाहता नदी के घाटों पर घूमती। राजा ने सस्सी के लिए अलग बाग बनवाया जहाँ सस्सी अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती और गाना गाती। फूलों की तरह सस्सी की आत्मा भी महकने लगी थी, अब दुनिया की नियामतें सस्सी के पास थी। विद्वानों और आलिमों को बुलाया गया और उसने अपना मन इल्म की तरफ लगाया। सारी सारी रात उसके पास चिराग जलते और उन चिरागों की रोशनी में अपनी आत्मा में ज्ञान की रोशनी बची। पता चला कि शहर के बाहर एक गड्ढी सौदागर ने बाग बनवाया। बाग के भीतर उसने कुछ इस तरह की तस्वीरें बनाई थी जिसे आज तक ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। सस्ती दौड़ी हुई गड्ढी सौदागर के बाग में पहुंची, देखकर सस्ती का मन झूम उठा। भीतर चित्रकार कई रंगों से तस्वीरें बना रहा था। सस्सी ने तस्वीरें देखी और हुस्न को सलाम किया। लेकिन इन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी थी जिसे देखते ही सस्सी के पैर ठिठक गए, आंखें झपकना भूल गई। सस्सी ने विवल होकर चित्रकार से पूछा, ये तस्वीर क्या तूने किसी की सूरत देखकर बनाई है? सूरत तो उस खुदा ने बनाई है, लेकिन तस्वीर इस नाचीज ने, ये कीचन के वली अलीहोर के शहजादे पुन्नू है। पुन्नू पुन्नू हमोर शहर का कोई हाकिम ना था जो सस्सी का ताबेदार नहीं था। और घाट पर चौकियां बैठा दी गई
ताकि जो कोई सौदागर शहर में आए सबसे पहले उसे सस्सी के सामने पेश किया जाए। सौदागरों के जान और माल सलामत रहेंगे, लेकिन वे तब तक अपने देश नहीं लौट सकते जब तक वे कीचम के लाहौर के शहजादे पुन्नो को यहाँ नहीं ले आते। सस्सी ने जमीन की तरफ से आती हवा को सिजदा किया, जिससे सौदागरों में हाय तोबा मच गई। एक सौदागरों उन्होंने दूध बनाकर कीचम के लिए रवाना कर दिया। जब यह खबर कीचम में पहुंची तो बलोचों में रोष फैल गया। सस्सी के दिल की आग पुन्नू के दिल को भी छू गई। उसका रोम रोम सस्सी के इश्क में सुलग उठा। सुबह की सूरज की लाली को देखकर पुन्नू को ऐसा लगा जैसे आज सूरज नहीं सस्सी का इश्क आसमान में चढ़ा हुआ था। पुन्नू ने चढ़ते सूरज को सजदा किया और इत्र फिरेलों की गठरी लेकर सौदागरी बेस में भंगोर शहर की तरफ चल दिया। कीचम से सौदागर आए हैं। मेरे घर में जब ये खबर सस्ती के कानों तक पहुंचाई तो मैं दौड़ी हुई शामियाने में गई, जहाँ कीचम के सारे सौदागर तरह तरह के सामान की हाट लगाकर बैठते थे। पुन्नू भी सौदागरों की कतार में बैठा था। सस्ती से पहचाना ना गया, लेकिन जब पुन्नू ने सस्ती का सौंदर्य देखा तो उसे लगा जिस सूरज को उसने आसमान में सजदा किया था वही सूरज उसके सामने धरती पर उतर आया था। सिर्फ खुदावन की सस्ती की आंखों में एक लौ कांप गई, लेकिन उसने कांपते हुए होठों से पूछा, ऐ सौदागर, तुम बड़े खुशकिस्मत देश से आए हैं। सच बता, क्या तुमने कभी मेरे पुन्नू को देखा है? हाँ परिजारी, असली पुन्नू को मैंने आज ही देखा है। दोनों के सिरे एक दूसरे के सामने सजदे में झुक गए। इधर पुन्नू के भाई भी गुस्से में अपनी डांचियों पर सवार होकर पुन्नू के पीछे पीछे भंगोर शहर आ पहुंचे। सारा शहर शमशान की तरह रोशन था। खबरें सुनते सुनते वे पुन्नू के इस बाग में आ पहुंचे जहां पुन्नू ठहरा हुआ था। शादी में शरीक होने आए हैं। बड़ी निजामी कहने से आने
इश्क दा रोग अभया नी उठा वाले तुर जाने फिर लब दिखरे की हाली नी दसिये तू जाग दिरी रात अजदी नींद ना मानी नी उठा वाले तुर जानगे एक आखिरी जान पीने की स्वाभाविक रस्म थी ता आखिर इस वजह से गुल्लू को कोई संदेह नहीं उठा और आखिरी जान पीते ही उसे नींद आ गई। सस्सी अपनी सहेलियों के साथ जाकर अपने शामियाने में सो गई और गुल्लू अपने भाइयों के साथ जाकर अपने शामियाने में सो गया। सुबह होते ही जब सस्सी जागी तो रात का अंधेरा सूरज को दुहाई दे रहा। रात के वक्त पुन्नू के भाई नींद में बेसुध पुन्नू को डाकी में डाल कर किसी की अखबार है। Thank you.
मरुस्थलों में ना कोई ओट है और ना ही कोई साया, पर तू यहाँ किस लिए बैठा है भाई? आज मेरा मन इस दुनिया से उठ गया है। आज मैंने एक परिदादी औरत को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। कौन थी वो? पता नहीं कौन थी वो, बस पुल्लू पुल्लू कहते उसने दम तोड़ दिया। तो भाई एक मेहरबानी और कर, इस कब्र को बड़ा कर दे। मेरे भाइयों ने दगा किया था ससी, पर जब मुझे होश आया तो मैं अपनी वफा निभाने के लिए लौट आया हूं। और पुन्नू जिस कटार के जोर से अपने भाइयों से लड़कर आया था, वही कटार अपनी छाती में ठोककर ससी की कब्र में गिर गया। हैरान उस कब्र को झुकता हुआ, उस कब्र पर दिए की लौ की तरह ससी पुन्नू दो जनी औकिते मुख ते जरद रुमाल वे, हाय वे पुन्नू जालमा दिला दिया मेहरमा, ससी नू छड़ के नी जाना। तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तिया रोंदिया तैनू वर्षा नू कहण। वे दर्दमंदां दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, हल बेले लाशां विछियां ते लौदी भरी चराब। जमीन दे लूनू फुटिया जहर, गिट गिट चढ़िया लालिया फुट फुट चढ़िया कैर। अज आखा वर्षा नू कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। वेऊ लीसी वा फिर वन वन होगी जा, उन्हें हर एक वास दी वजनी दित्ती नाग बना। पहला डंग मदारियां मंत्र गए गवाज, दूजे डंग दी लग गई जने खने नु लाग। लागा कीले लोक नू
बस फिर डंग ही डंग पले पले पंजाब दे नीले पै गए अंग आज आखां वाल शानू कि तू कबरां विचों बोल में काम करने वाले लोगों को आपसे तारीफ करा दूं। म्यूजिक जीवेश रामपाल सारंग और हैप्पी कली स्पीकर। जीवेश अगर आप मंच पे आ जाएं तो आपको चलिए। कॉस्ट्यूम डिजाइन ईश्वर सामंत, लाइट डिजाइन अभिजीत झुंझुनवाल, प्रॉपर्टी ग्राहक कुमार तरुण, ब्रोशर डिजाइन आर्यन प्रिंस, एसोसिएट डायरेक्टर अमित जिंदल, राइटर अमृता प्रीतम और म्यूजिक एंड डायरेक्शन हैप्पी कलेज प्रिया और नीरज शर्मा जो आदमी के नीरज।
अंदर दिमाग बहुत क्या कहते हैं झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया। नाटक तो आप देख ही रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन हर नया नाटक जब हम देखते हैं तो हमें कुछ थोड़ी सी सीख मिलती है। यहाँ पर आप सब लोग थिएटर से हैं, कहानियों का मंच है, और वो भी बहुत सिंपल तरीके से। जैसे दो तीन दिन से बात चल रही है कि थिएटर गरीबी में गुजर रहा है, लेकिन गुजर इस गरीबी और इस इकोनॉमिकल डिवास्टेशन ऑफ थिएटर के बीच में एक चीज उगती है जो बहुत ही महत्व रखती है, वो है क्रिएटिव एलिमेंट। yes. अगर इनके पास पैसे होते हैं, दौलत होती, तो पता नहीं क्या क्या सेट लगा देते। लेकिन कुछ दस्तारी कहते ना उसको, कपड़े को, कुछ दस्तार, तीन डंडे, चार स्टिक्स, तीन कैंडल, और अपनी इमेजिनेशन से जो कोरियोग्राफी की, उस सारी कहानी बिल्कुल सामने आ गई। तो ये चीज जो है ये थिएटर हमें देता है, ये बाकी कहीं एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिल्मों में ऐसी चीज करने होगी तो सब चीजें आ जाएंगी। तो चील कांडा भी ले आओ तो लेके आएगा, डायरेक्टर बना देगा, है कि नहीं? तो जब हम शुरू करते हैं ट्रेनिंग यहाँ बीएनए में या किसी छोटे इदारे में, तो यही वो चीज है जो आपकी उपज है। ये टीचर नहीं दे सकते, टीचर आपको रास्ता दिखा सकते कि भाई कुछ नहीं है, अब सोचो कि तुम जंगल कैसे दिखाओगे, पेड़ कैसे दिखाओगे, कब्र को कैसे डेकोरेट करोगे, ना कब्र मिलेगी ना कुछ मिलेगा। और खुद ने अच्छा गाना गाया, बट आई विश की माइक पैक थोड़ा नजदीक होती तो और मजा आ जाता। तो एंड सेकंड थिंग इज ऑल दिस यंग पीपल, 8-9 लोग जो थिएटर में थे उनकी डेडिकेशन देखिए। एंड सैड पार्ट वॉज दैट देयर वॉज नो ऑडियंस। कल हम 4 बजे डिस्कशन कर रहे थे, ये कितना 100-150 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी है, 160 नहीं भर पाए। ये हमारे, ये हम सब थिएटर लवर्स की कमी है। हम टिप्पणियां करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं। कल डिबेट में चला था, ग्रांट रोकनी चाहिए, ग्रांट से थिएटर खराब हो गया। अरे सबसे बड़ी बात है कि लोगों में वो लगन पैदा करनी, क्या प्लीज आओ यार नाटक देखो बस। But I wish all the best to this young team and I hope they travel all over the country and communicate this idea, which is a brilliant idea, beautifully adapted, with less resources. They have spoken their point and I wish them all the success. चले 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 रे राजिया।